इस क्वेश्चन में आपका एलिगेशन का प्रयोग होगा जो कि सीजीएल टीयर 2 2017 में पूछा गया है। लेकिन पहले मैं आपको स्पीड अप करके इस क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और ऑन एन एवरेज 17 हो रहा है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 20%, यानी कि 8/5, 5/8 का वैल्यू कितना में से, 16 में से। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एलिगेशन हम कब लगा सकते हैं वो भी इस क्वेश्चन में आप समझ जाओ। ऑलरेडी मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। देखिए यहाँ पे आपका कितना क्या देगा, क्वांटिटी, याद रखना क्वांटिटी। अब हमेशा ये बोलेगा ना क्वेश्चन में कि ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट विच 20%, यानी कि अगर मान लो कि 1600 केजी आपके पास चावल है, उसका कुछ पार्ट, हमेशा बोलेगा क्वेश्चन बोलता है कि कुछ पार्ट 20% प्रॉफिट पे। यहाँ पे देखो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही हमेशा पूछता है, लॉस भी हो सकता है। कुछ पार्ट बेचेगा 20% पे, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। दूसरा जो पार्ट है, कुछ पार्ट, हमें नहीं पता क्या पार्ट, ठीक है। एलिगेशन का प्रयोग करेंगे तो किस शर्तों पे प्रयोग कर सकते हैं, कुछ पार्ट उसमें से निकाल के बेचा, और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है उसको वो 12% प्रॉफिट पे बेचा। और क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा जब वो टोटल बेच लिया, यानी कि जब टोटल बेच लिया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे 17% प्रॉफिट। टोटल बेचने का मतलब ये होता है कि जब उसने सारे अपने गेहूं चावल जो भी है वो बेच लिए, तो ऑन एन एवरेज उसको क्या हुआ, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचा, कुछ कम प्रॉफिट पे बेचा, होगा क्या लास्ट में कि ऑन एन एवरेज प्रॉफिट उसका क्या होगा, यही दिया हुआ होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको दिया है ऑन एन एवरेज सारे बेचने के बाद उसको 70% का प्रॉफिट होता है, ये चीज़ आपको बीच में लिखना है एवरेज वाला, ठीक है। आपको कुछ क्वांटिटी इतना, कुछ क्वांटिटी इतना, बीच वाला लिख लिया हम। अब एलिगेशन कैसे लगता है कि इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को माइनस करके इधर लिखते हैं, और इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को बीच से माइनस करके इधर लिखते हैं, ठीक है। और यही रेशियो हो जाता है क्वांटिटीज का जिसमें वो आदमी 1600 चावल बेच रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि 20% प्रॉफिट पे कौन सा बेचा है, तो 20% प्रॉफिट पे ये वाला हिस्सा बेचा, यानी कि अगर टोटल 8 बेचा है तो उसमें से 5 हिस्सा 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी इसे 1600 केजी में से 5/8 क्या हो जाएगा, 1000 जो भी है केजी ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 केजी, ये क्या हो जाएगा आंसर। एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट से मैंने इस चीज़ को बता दिया है।